अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शिफा मेकओवर से रुबीना खान। आज हम आपको इस वीडियो में थ्रेड करना सिखाने वाले हैं। आपको बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में थ्रेड करना सिखाएंगे कि थ्रेडिंग हमें किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से आप सीख सकते हो। बिल्कुल बारीकी से आपको इस वीडियो में थ्रेड करना सिखाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, जो ऑल वाली बेल होती है उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको हम थ्रेड किस तरीके से सिखा रहे हैं वो स्टार्टिंग से आप सीख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाला 40 नंबर का थ्रेड लेना होता है। ये कोई भी जनरल स्टोर में 50 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। इस तरीके के दो थ्रेड आते हैं, एक वाइट कलर का होता है, एक इस टाइप का होता है। जो वाइट कलर का होता है वो थोड़ा सा नाजुक सा होता है और बार बार टूट जाता है, बट ये थोड़ा स्ट्रांग होता है और कॉटन से बना हुआ होता है ये। तो ये बहुत सेफ होता है हमारे लिए। तो आप इसके लिए थ्रेडिंग करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो जो वाइट वाला मैंने आपको बताया है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसे प्रैक्टिस के लिए, एज ए प्रैक्टिस आप इसके उसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप थ्रेडिंग करने के लिए यही वाला धागा यूज़ कीजिएगा। तो चलिए हमें किस तरीके से थ्रेड को चलाना होता है वो आप इस वीडियो में सीख लेते हैं। तो ये सिरा होता है, इस सिरे को हम इस तरीके से मुंह में पकड़ लेना है। ये मैंने दांतों के अंदर दबा लिया है थ्रेड को और ये इस तरीके से मैंने खोला है। ये लेफ्ट हैंड में मैंने पकड़ा है और ये मेरा राइट हैंड है। आज हम राइट हैंड से थ्रेडिंग करना सीखेंगे। मैं दोनों हाथों से आपको थ्रेडिंग करना सिखाऊंगी। मैक्सिमम लोग एक ही हाथ से थ्रेडिंग करते हैं, एक थ्रेडिंग आगे से बनाते हैं और एक थ्रेडिंग पीछे से बनाते हैं, बट मैं आपको दोनों हाथों से थ्रेडिंग करना सिखाऊंगी। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए सीखते हैं हम दोनों हाथों से थ्रेडिंग करना। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि वो सिर्फ एक ही हाथों से थ्रेडिंग करना सिखाते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको दोनों हाथों से थ्रेड चलाना सिखाऊंगी। तो चलिए, मैंने ये सिरा मुँह में पकड़ लिया है और ये वाला लेफ्ट हैंड में पकड़ा है मैंने थ्रेड को, और ये राइट हैंड है मेरा। तो मैं ये राइट हैंड में इसको इस तरीके से ले लूँगी और ये इसे धागे को थोड़ा और खोल देना है। ठीक है, इतना ठीक होगा, इतना ठीक होगा। और ये जो फिंगर से मैं फिंगर से इसको इस तरीके से आगे लेना है, देख सकते हो फ्रेंड, इस तरीके से करना है। और जो राइट हैंड वाला हमारा जो राइट हैंड है उसे हमें इस तरीके से ट्विस्ट करना है। तो ये हमने 6-7 बार इसको ट्विस्ट कर लिया है और ये हमारी बन गई है कैंची। और ये हाथ में हमने थ्रेड को पकड़ा है, बंडल को, थ्रेड के बंडल को, और इस तरीके से हमें चलाना है। देखिए, इस तरीके से हमें थ्रेड चलाना है। ये छोटा होते जाएगा जैसे जैसे हम चलाएंगे, तो इस तरीके से इसे बड़ा करना है। फिंगर्स को इस तरीके से ऊपर करके हमें इसे बड़ा करना है और इसको सामने लाते जाना है। देखिए, मैंने इसको बड़ा किया और इसको सामने लाया। इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से चलाना है, ये छोटा होते जाएगा। अगर हम ऐसे खींचेंगे तो लेकिन ये फिंगर से हमें इसको बड़ा करना है और ये जब इसे हम बड़ा करेंगे तो इसे करीब लाना है हमें, तो ये बड़ा हो जाएगा हमारी कैंची, जिसमें हम बालों को फंसा के इसमें ही हमें बालों को निकालना होता है। इसमें फंसा के ये अपने फेस की तरफ थ्रेड को खींचना होता है इस तरीके से, तो हेयर हमारे रिमूव हो जाते हैं। देखिए, इस तरीके से चलाना है। अभी हमने ये हाथ से चलाना सीख लिया है। अब हम ये लेफ्ट हैंड से चलाना सीखेंगे, मतलब उल्टे हाथों से चलाना सीखेंगे। ये हमारा सीधा हाथ था, मतलब कि राइट हैंड, ये हमारा राइट हैंड था, इससे हमने चलाया है और इससे राइट साइड की ही थ्रेडिंग इससे बनती है और लेफ्ट तरफ से हम बनाएंगे। तो चलिए, दूसरे हाथ से भी बनाना हम सीख लेते हैं। थ्रेड को छोटा कर लेंगे।
तो देखिए मैंने ये धागे के बंडल को मैंने राइट हैंड में पकड़ा है, मतलब कि सीधे हाथ में मैंने पकड़ लिया है धागे के बंडल को। और देखिए मैंने इतना धागा खोल दिया है देखिए, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है जिससे हम थ्रेडिंग इस साइड से बनाएंगे, लेफ्ट साइड से। तो मैंने इसे इस तरीके से पकड़ लिया है देखिए इस तरीके से, हाँ। और थोड़ा सा थ्रेड को खोल देंगे, ये मैंने खोल लिया है। अब ये वाले फिंगर से हमें इसको इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा इस तरीके से देखिए। और इस हैंड से हमें इसे ट्विस्ट करना है ऊपर की तरफ, ये हमने ट्विस्ट कर लिया है। और वैसे ही इसको भी वैसे ही चलाना है जैसे हमने अभी से पहले राइट साइड का चलाया है देखिए। ये कैची छोटी होती जाएंगी तो हमें इसे बड़ी करना है। अब हम देख लेते हैं कि पेपर पर हम आईब्रो बनाने की प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं। पेपर पर हम सबसे पहले थ्रेड चलाना सीखेंगे, उसके बाद हम अपनी आईब्रो पर थ्रेड चलाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये थ्रेड हमने पकड़ा है देखिए, और ये इस तरीके से इसे घुमा लेना है देखिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रेड हमें धागा कैसे किस तरीके से चलाना है। मैंने राइट से भी आपको चलाना बताया है इसमें, और लेफ्ट से भी चलाना बताया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही हम बताएंगे आपको। तो फ्रेंड, अगर आप सच में सीखना चाहते हो घर बैठे थ्रेडिंग करना, और स्टेप बाय स्टेप मैं सभी वीडियो इस मेरे चैनल पर डालूंगी। जो चीज़ें पार्लर में होती हैं मैं अपने पार्लर में ही करके इस वीडियो में इस सारी वीडियो इसमें अपलोड करूँगी। तो आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और आपके साथ और साथ की और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहेंगे तो हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे, और आप उससे बहुत कुछ सीख सकोगे। बहुत सी यूनिक चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और हर एक चीज़ में आपको बारीकी से सिखाऊंगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप कितना इंटरेस्टेड हो थ्रेडिंग का सीखने के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट करके अपलोड करूँगी, और नेक्स्ट पार्ट में सेकेंड पार्ट करके अपलोड करूँगी थ्रेडिंग का ही, जिसमें मैं सिर्फ थ्रेडिंग करना ही सिखाऊँगी। ये पहला स्टेप हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप मैं दूसरी वीडियो में आपको सिखाऊँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।